जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल आरवी एनालिसिस पे। और आज हम एक विशेष रेखा के विषय में आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। वो रेखा है चंद्र के क्षेत्र से निकलने वाली चंद्र की एक विशेष रेखा, जो कि जीवन रेखा को छूते हुए आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। ये आपके इस मध्य के क्षेत्र तक भी आ सकती है, आपके मस्तिष्क रेखा को काटते हुए ऊपर भी जा सकती है और बुध के क्षेत्र तक भी अपनी पहुँच बना सकती है। इसमें गौर करना कि ये रेखा स्वतंत्र रूप से आपकी जीवन रेखा को काटते हुए शुक्र के क्षेत्र में ना चली गई हो। अगर ऐसा होगा तो ये बुध की रेखा होगी, जो कि व्यावसायिक तौर पे आपकी सफलता को प्रदर्शित करने का कार्य करती है। थोड़ी नीचे से जाएगी और पतली प्रकृति होगी तो आपके स्वास्थ्य की रेखा होगी, जो बताएगी कि जीवन में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य आपका कैसा रहने वाला है। लेकिन जब ये पूर्ण रूप से यहाँ से शुरू होकर और जीवन रेखा को छूते हुए आगे की तरफ बढ़ जाए तो ये आपकी चंद्र की वो विशेष रेखा होती है, जो कि आपके जीवन में अस्थायित्व लाने का कार्य करती है। ऐसे लोगों का जीवन अमूमन पूर्णतः सफल होता है, क्योंकि ये अपने जीवन में जो भी मोटे तौर पर चाहते हैं वो सब कुछ इन्हें प्राप्त होता है और अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन कर पाने में ये लोग सक्षम होते हैं। ऐसे लोग स्त्री पक्ष के काफी करीब होते हैं और अगर स्त्री पक्ष में ऐसी स्थिति है तो पुरुष पक्ष के काफी करीब होते हैं। ऐसे लोग अपने माता पिता की, अपनी पत्नी की, इन सारे लोगों का ख्याल रख पाने में काफी सक्षम होते हैं और अगर स्त्री के हाथ में है तो वो अपने स्वजनों का ख्याल रख पाने में काफी सक्षम होते हैं। ऐसे लोग जीवन में आर्थिक स्थिति इनकी काफी बेहतर होती है और एक सामान्य जीवन बेहतर रूप से जी पाने में सक्षम होते हैं। ये कभी बैठते नहीं, इनके घर में कभी आर्थिक समस्या जैसी चीजें नहीं आती। कैसी भी परिस्थितियों ये जीवन को अच्छी गति से आगे की तरफ चलाते हुए चले जाएंगे। पति पत्नी के बीच में सामंजस्य की स्थिति इतनी बेहतर होती है कि जीवन की मुश्किल से मुश्किल समस्या से भी ये साथ रह के उन चीजों से पार पा जाते हैं। हालांकि ऐसे लोग बिजनेस की तरफ ना जाना इनके लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि अगर बिजनेस की तरफ ऐसे लोग जाते हैं तो उस समय इनके लिए परिस्थितियां काफी मुश्किल हो जाती है। ऐसे लोगों को जॉब पर ध्यान देना चाहिए और खासकर गवर्नमेंट जॉब वगैरह जैसी चीजें इनके लिए काफी आसान हो जाती है। ऐसे लोगों को कुछ खास कार्य हैं जिनसे हमेशा बचना चाहिए, जैसे कि शेयर बाजार और निवेश। ये चीजें आपके लिए हमेशा नुकसान का कारण बनेगी। हालांकि इसमें दूसरे पक्ष की हथेली या उनकी कुंडली को भी देखना आपके लिए यहां पर अनिवार्य हो जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति आपके एक स्वस्थ और बेहतर जीवन को प्रदर्शित करने का कार्य करती है, जिसमें एक दंपति के रूप में आप अपने जीवन के तमाम सुख सुविधाओं का पालन कर पाने में सक्षम होते हैं। ऐसे लोग पत्नी के विचारों का भी पूर्ण सम्मान करते हैं और उस तरीके से भी जीवन को बेहतर बना पाने में सफल होते हैं। जबकि अगर स्त्रियों के हाथों में ऐसी स्थिति बनेगी तो ऐसे लोग ऐसी स्त्रियां खुद से ही सही निर्णय ले पाने में सक्षम होती हैं और अपने पति का सही तरीके से आदर कर पाने में, उनका सम्मान कर पाने में सक्षम होती है और हमेशा उनकी इज्जत करती है। ऐसे लोग एक परिवार को एक बड़ी जिम्मेदारी मानते हुए पूर्ण रूप से संतान के साथ ही उसे सही तरीके से आगे बढ़ाने में कामयाब हो पाते हैं। संतान पक्ष हालांकि इनका थोड़ा सा कमजोर होता है, वहाँ पे इनकी सजगता थोड़ी सी कम होती है। अगर वहाँ पे पूर्ण रूप से सजग होंगे तो इनके लिए सोने पे सुहागा जैसी स्थिति बन जाती है। लेकिन जो मेन मोटो है इस रेखा का वो ही है कि जब ये आपकी हथेली में आएगी तो आपके जीवन में अंधेरा कभी नहीं आने देगी, हर एक परिस्थितियों से आपको निकाल लेगी और जीवन को उजाले की तरफ हमेशा करके रखेगी, जहां जीवन के अंतिम दौर में जब आप जाएंगे तो आपको पूर्ण संतुष्टि रहेगी कि हमने जीवन में जो चाहा वो सब कुछ प्राप्त किया और अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन कर पाने में आप सक्षम हो पाए हैं। तो आज आपने जाना इस विशेष रेखा के बारे में, इसके अलावा भी अन्य बहुत सारी रेखाओं के बारे में, उसके फल फलाफल के बारे में। और पूर्ण जब हथेली का हम विवेचन करते हैं विवेचना, तो उस समय एक किस तरीके से ये आपके लिए कार्य कर पाती है उसके बारे में भी आगे आने वाली बहुत सारी वीडियोज में आप जानेंगे। तब तक के लिए हमेशा की तरह जय श्री राधे। जो लोग पर्सनल एनालिसिस के बारे में सोचते हैं वो डिस्क्रिप्शन में नंबर देख सकते हैं, वहाँ से जाके फी वगैरह के बारे में पूछ के और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राधे।